चक्रवात अम्फान का प्रभाव हावड़ा में भी है, आंधी बारिश हो रही है, प्रशासन की चेतावनी। सुपर साइक्लोन अम्फान बंगाल और उड़ीसा के तट से टकराने वाला है। जब पूरा देश कोरोना से त्रस्त है, चक्रवात या सुपर साइक्लोन अम्फान के प्रभाव के कारण मंगलवार को हावड़ा में बारिश होने लगी। रात में बारिश की मात्रा बढ़ जाती है। बुधवार को सुबह से शहर में हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। हवा भी काफ़ी तेजी से चल रही है। आज दोपहर के बाद एक मजबूत चक्रवात की संभावना है। जिला प्रशासन ने इस पर नज़र रखते हुए एहतियात बरती है। हावड़ा सिटी पुलिस ने नगर पालिका की ओर से 24 घंटे की आपदा हेल्पलाइन शुरू की है। कई उपाय किए गए हैं। आपदा प्रबंधन टीम को तैयार रखा गया है। आपदा से निपटने के लिए हावड़ा सिटी पुलिस द्वारा हेल्पलाइन शुरू की गई है। नंबर है जिसका 0332641-5814 और 601-631-824/7 हेल्पलाइन है। मंत्री आरोप राय ने कहा कि जिनके टाइल वाले चावल घर से हटाए जाने हैं, प्रशासन निगम पुलिस स्थिति से निपटने के लिए हमेशा तैयार है। माननीय मुख्यमंत्री ने इस स्थिति से निपटने की तैयारी की है। पुलिस मंगलवार से माइकिंग कर लोगों को आगाह कर रही है। यह प्रचार किया जा रहा है कि किसी को गंगा में नहीं जाना चाहिए या आपदा के दौरान घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। গ্রামীণ গাদিয়াড়া থেকে শুরু করে আর একদম হাওড়ার শেষ প্রান্ত বালি পর্যন্ত টোটালটাই তো গঙ্গার তীরবর্তী, এবং এই কারণে একটা ভয়ের সম্ভাবনা আছে। মানুষকে আতঙ্কিত না হয়ে সাবধানে থাকতে হবে। যারা টালির চালের বাড়ি আশেপাশে আছে তাদের সরে যেতে হবে। প্রশাসন, কর্পোরেশন, পুলিশ সর্বতোভাবে প্রস্তুত এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য।